नमस्कार, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। जैसे कि हम आपको लगातार एक क्रम में जितने भी टैलेंट बाज इस मंच पर आते हैं, अपने टैलेंट को उभारते हैं और उनके टैलेंट को सम्मानित किया जाता है, उन सभी टैलेंट बाज से आपको मिलवा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम फिर पहुंचे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस मुख्यालय में जो फरीदाबाद में मौजूद है, और हमारे साथ आज कई ऐसे टैलेंट्स होंगे जो अपने आप में एक बड़ी हिस्ट्री माने जा सकते हैं, अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन का पात्र हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, उम्रदराज लोग भी हैं। तो चलिए आपको उन सभी से मिलवाते हैं, उन सभी हुनरबाजों से मिलवाते हैं और उनके टैलेंट्स के बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं वो जो टैलेंट्स हैं वो भी आपको इंस्पायर ज़रूर करेंगे। चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक और जो पार्टिसिपेंट यहाँ रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से, एक राउतला आरोही। तो इनसे जानकारी देते हैं आपको इनके रिकॉर्ड के बारे में, और साथ ही ये तेलंगाना से हैं तो हो सकता है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स हो, लेकिन फिर भी जो इंस्पिरेशन है वो कम नहीं होगा। वेलकम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। थैंक यू। और कैन यू शेयर समथिंग अबाउट हर? एक्चुअली द मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर द इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड इज हर यूनिकनेस एंड हर अर्ली अकम्पलिशमेंट्स। बिकॉज ऑफ हर क्यूरियासिटी, इफ शी से समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन शी विल लर्न क्विकली। देन मोस्टली 90-95% इफ शी से समथिंग शी विल लर्न क्विकली, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ हर। Curiosity is the uniqueness of her. Because of her uniqueness, we have identified at the age of 2 years, 5 months. Okay. 2.5 years. Now she is 3 years. Right? Now she is 3 years. Now she is learning Gayatri Sloka, Gayatri Mantra, okay. She know. And she started learning classical dancing. Mm-hmm. So I arranged the home like that. The environment has completely changed. You are helping her to just increase the IQ, right? Yes, yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Suryansh, first of all, welcome. Thank you so much. और मुझे कुछ आप अपने बारे में बताएंगे, साथ में आपके रिकॉर्ड के बारे में। हाँ जी, मेरा नाम सूर्यांश है एंड आई रोट अ बुक कॉल्ड द स्मैश गाय। मैं उसका ऑथर हूँ। उसके अलावा मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूँ। आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीईओ। आई एम अ एंटरप्रेन्योर फुल टाइम। मैं बिजनेस करता हूँ। आई एम अ शार्क टेक इंडिया सीजन 2 फाइनलिस्ट एज वेल एंड टेडएक्स एंड जोस्टॉक स्पीकर एंड ऑल दोज थिंग्स। मैंने मुझे ये रिकॉर्ड मिला है फॉर द स्मैश गाय। वो एक पुस्तक है जिसमें मैंने जेम्स एक नाम लड़का रहता है, फिक्शनल स्टोरी है बेसिकली। वो एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें मैंने जेम्स के बारे में बताया है। विच इज़ बेसिकली ए नॉर्मल किड जो अपने टैलेंट पर बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। इट्स नॉर्मल फिक्शनल नॉवल, एक कहानी है। उसको आज हजारों बच्चे पसंद कर रहे हैं एंड फॉर दैट आई गॉट दिस रिकॉर्ड। डू यू सजेस्ट एनीवन फॉर दिस रिकॉर्ड और एनी रिकॉर्ड? यस डेफिनेटली, आई विल जस्ट सजेस्ट एनी पर्सन हु इज टैलेंटेड और हैविंग एन एक्सपीरियंस इन रिकॉर्ड्स और जस्ट परफॉर्मिंग हिज और आर्ट। सो आई विल जस्ट रिकमेंड दिस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टू देम। इट्स वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अ नॉर्मल किड। She's too young right now. I mean, she's just 3. And how is it possible to make her like this, like making a record? To be frank, like, we didn't train anything. The thing is, like, as I told, like, right from age of 1, like, she likes traveling a lot. So, whichever place we go, right, like, even after multiple weeks, she keeps on telling all the places, what did she like, what did she did not like, right? So, that is what motivated us and tried it, and she was rewarded with the India Book of Records record holder. Okay. वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और कुछ मुझे आप अपने बारे में बता सकते हैं, साथ में रिकॉर्ड के बारे में? यस yes. मेरा नाम है मंदार मधुकर तामनकर, फुल नेम। आई बॉर्न इन पुणे एंड देन आई मूव टू द ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम देयर ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ। मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में रहा हूँ। मैं टाटा मोटर्स में अप्रेंटिस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स में जॉब भी की है 8-10 साल। उसके बाद मैं सिडनी बस में बस ड्राइवर भी था
अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या होना चाहिए, मैं कहाँ पे हूँ, आई एम वेरी अवेयर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. तो ये मेरा एक स्किल डेवलप हो चुका था कि हाउ टू डील विथ इट, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कॉपअप कैसे करना है. तो यह बड़ी समस्या होती है, लोग डर जाते हैं, तो वो डर नहीं था इसलिए मैंने बाइक राइड चूज किया और किया. अच्छा, कितने दिन में आपने पूरा किया था? बेसिकली ये प्लान था 40 दिन का. अच्छा. लेकिन नेटवर्क ना अच्छा होने की वजह से मैं काफ़ी बार रोड मिस कर गया और डेजर्ट में चला गया. हाँ. और मेरा शॉर्टकट हो गया. अच्छा. तो होना था मोर देन 29,000 किलोमीटर का मैंने चॉकआउट किया था. अच्छा. लेकिन वो 19,650 हुआ. अच्छा. क्योंकि बीच रास्ते में मैंने डेजर्ट में से कट मार के बीच में ऊपर चला गया. So can you tell me something about yourself? Okay, my name is Dr. Okay, thank you. Yeah, my name is Dr. Santosh Kumar Gupta. I'm from Hyderabad. Basically, I'm a medical doctor, and I have cleared 45 exams in medical coding and health information management. I can say proudly, I'm the only person in the world who has done all specialties medical coding, cleared 45 exams in medical coding, covering USA healthcare, India healthcare, and Australia healthcare. Okay. So can you highlight some significance of the certificate CANPC or some? Okay. So the certifications are related to medical coding. So every specialty, like, you know, cardiology, respiratory system, anesthesiology, radiology, pathology, every body specialty has a medical coding subject. See, for example, if a patient goes to a cardiologist for the cardiac checkup, or he may go for bypass surgery. So these medical records will analyze the records for the how they are done documentation. We assign the medical codes and submit to the health insurance companies as per the compliance. And these codes were analyzed for the data analysis and for the clinical research. This is called medical coding. And you know, like this, there are more than 30 certificates are there in every specialty. Mm-hmm. And that's what I cleared everything. Yep. Raina Shmikhani. I am 8 years old. So tell me something about your record. My record was of the most 100 cartwheels in 1 minute. Who inspired you for this? My sister. Okay. So how you inspired her? So like one day we had like a competition. So she just learned a cartwheel that day. And then she was really good at it. So I taught her how to like go really fast in it. And then my mom figured out that there's a record that she can beat. Okay. So are you happy or not? Raina. I'm very happy. Okay. Thank you so much, Raina. Thank Welcome. You. Thank you. Thank you. Can you introduce yourself first of all? I'm Varsha and I'm coming from Chennai. Mm-hmm. I've always been a passionate speaker and a very good writer, and I've always been interested towards social issues. And it was one such social issue that I've done in my record, mm-hmm. and that is If We Were Them, which highlights the inclusion of transgenders in our Indian society. So do you think it is an inspirational platform for everyone or not? India Book of Records have always been an inspirational platform for me, and I think it would be an inspirational platform for all the youngsters who are striving so hard to highlight the social issues and make India a better country. Right, okay. Thank you so much, Varsha. Thank you so much. तो जैसे कि लगातार हम आपको जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनसे मिलवा रहे हैं, तो मेरे साथ अभी जो हैं गौश हैदर सर मौजूद हैं. सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू. और जैसे कि हम आपसे लगातार जो है अभी मैंने आपके बारे में पढ़ा, 830 गाने जो हैं आपके द्वारा गाए गए हैं 10 सालों के अंदर में, क्या चीज़ प्रेरित करती है आपको गानों से जुड़ने के लिए? मेरे फादर जो थे वो बेसिकली मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे. अच्छा. वो गजल्स गाते थे. अच्छा. उनकी गजल सुन के महाराजा मैसूर अपनी लाइव सुन के अपनी हारमोनियम उनको गिफ्ट दिए. अच्छा. तो हेरिडिटरी मुझे आया. अच्छा. उनके गजल सख्स में मैं फादर के साथ जाता था. वो मुझे इंकरेज किए. कुछ आपके शब्दों में कुछ सुना सकते हैं? जी जरूर. मैं किशोर कुमार जी का फैन हूँ. चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बोथ ऑफ यू. या वेलकम. थैंक यू. वेलकम कविना.
Welcome. Okay, so ma'am, can you share something about her? Yeah, my daughter is Kavina. We are from Tamil Nadu. Okay. She made a record by singing the song Muttai Thadu Patti Thirunagai from Tirupugal. It was a Tamil song. Mm-hmm. It was written in 15th century by a Tamil saint poet Arunagirinathar to greet Lord Muruga. Mm-hmm. It has a tongue twisting lyrics. Acha, Kavina, can you sing a little bit of that song? முத்தை தரு பத்தி திருநகையத்திக்கிறே சத்தி சரவண முத்தி குருவிட்டு குருபார் என்னவோரும் முக்கட்பரமர்க்க சுருதிய முற்பத்தரு கற்பித்திருவரும் முப்பத்து மூவர்க்க தமரது அறிப்பேன பத்து தலை ரத்த கலைந்தொரு ஒற்றை கிரி மத்தை பொருதொரு பட்ட பகவன். So she is just 4 and how it is possible to teach her everything? Actually, she has some interest in learning something like that. She used to ask me to teach me like that. Okay. Sir, सबसे पहले स्वागत है आपका. धन्यवाद. Thank you so much. मुझे आपने जैसे कि एक न्यायिक मुद्दे को चुना है और द हंटर जैसी जो फिल्म बताई जा रही है ये आपके द्वारा बनाई गई है, तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही थी? प्रेरणा रही थी कि जैसे आज हमारे जिस तरफ हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हम देश में भारतीय होने के नाते जहां देश में नारी की पूजा की जाती है और उसी नारी का दमन कहीं ना कहीं समाज के एक हिस्से के एक वर्ग के खास वर्ग के लोग जिन्हें जो कुंठित मानसिकता वाले हैं और उसके लिए कड़े कानून भी हैं, लेकिन कई बार वो सबूतों के अभाव में, विटनेस के, एविडेंसेस के लैक ऑफ एविडेंसेस होने के कारण वो कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। और जैसे कि 4 जनवरी 2024 को आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो इससे आपके अंदर मतलब आपने कुछ चेंजेस महसूस किए हैं? यूं तो आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड होल्ड करने के बाद, एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद कुछ चेंजेस आपने देखे हैं? रिकग्निशन आज के क्षेत्र में हर कोई चाहता है, चाहे वो न्यूज़ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। कैमरे के आगे बैठकर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ज़माने में, यूट्यूब जैसे ज़माने में हम एवरीबडी सीकिंग फॉर व्यूअर्स कि हमारे भी फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और हो, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है, जब आप किसी कीर्तिमान को स्थापित करते हो, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी और ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग गोज कि एवरी चैम्पियन वॉज वंस अ कंटेंडर हु नेवर रिफ्यूज टू गिव अप। सो अभिराज, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। ओके, सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ? Ma'am, I am Abhirachi. I am 9 years old. I am a student of class 4 in Delhi Public School, Mega City, Kolkata. I am from Kolkata, West Bengal. I thank to India Book of Records for giving me this opportunity to be. So, as a father, how are you feeling right now? It's a really proud moment. I mean, I'm really a proud father of him because I could not remember even in his age of 9 years whether I could achieve even just 5 medals or 5 awards. But he has achieved 500 awards or medals so far, and he has international achievements as he mentioned. The key thing is that he never says no to anything. Any kind of competitions he hear about, he's always ready to participate. Mm-hmm. Be it he's getting award or not, that is different thing, but he's always ready to participate. That's his motivation. He never says no. Even that is not in his domain. Mm-hmm. You ask for, okay, boy, you have a dance competition. It's not professional dance competition, but some dance competition for the kids are there. Do you want to participate? Mm-hmm. Yeah. Yes, why not? Anj, welcome first of all. थैंक यू। एंड इनके फादर भी मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम सर। नमस्ते। और अंश, कुछ आप मुझे अपने बारे में बताएंगे और साथ ही रिकॉर्ड के बारे में? मुझे मैथ्स सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है और मैथ्स मेरी जैसी हॉबी बन गई है। मैं मैथ्स के बिना अब रह भी नहीं सकता और विदाउट मैथ्स अब मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता। हर रोज़ मैं कोई ना कोई नए सम सॉल्व करते रहता हूँ। अच्छा। और मेरे रिकॉर्ड के बारे में बोलूँ तो मेरी जर्नी चालू हुई थी 2019 से, जब मैं 5वीं में था। तब मेरे को मैथ्स का कुछ नहीं आता था।
मैं इतना छोटा था कि तब मैं सिर्फ 10-11 साल का था. तब मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन मास्टर नाम की एबेकस एकेडमी ज्वाइन की. तो मुझे मिले मेरे हम्बिर सर, उन्होंने मेरे को गाइड किया, उन्होंने मेरे को मैथ्स सॉल्व करने के काबिल बनाया. मेरे को शून्य से ऊपर लाने वाले मेरे टीचर और मेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत सपोर्ट दिया. सो एज अ टीचर, आप टीचर हैं राइट, सो आपने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया, क्या सिखाया अंश को जो आज इतने बड़े हम कह सकते हैं कि 5 digit जो डिविजन है उसने सॉल्व किया और ये रिकॉर्ड होल्ड किया? एक्चुअली क्या होता है कि जो मेथड्स होते हैं मतलब कि इंडिया में यूज़ करने वाले मेथड्स है, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में आए तो ब्रिटिश एजुकेशन चालू हो गया, तो हमारा इंडिया का जो वैदिक मैथमेटिक्स था वो भूल गए लोग. तो वैसे कि हमने जो चालू किया कि वैदिक मैथमेटिक्स, अच्छा. उसमें से स्टार्ट किया, उसमें बहुत सारा चीज है कि लाइक जापानीज मेथड है और दूसरा है कि चाइनीज मेथड है, और दोनों मेथड से हमने क्या किया चालू किया, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट फेज है वो बहुत अच्छा बन गया. अच्छा, आपकी तरफ से कोई मैसेज होगा टू द स्टूडेंट्स, टू द पेरेंट्स के मैथ्स बहुत ज़्यादा एक जैसे लोगों को लगता है एक बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, तो आपका कोई मैसेज होगा लोगों के लिए? डेफिनेटली, एक्चुअली मैथ्स लॉजिकली पार्ट है, और वो हो जाता है कि लोग ही बता देते कि ये हार्ड है, हार्ड नहीं हो एक्चुअली, पहले से हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हार्ड है. ये चीज़ पहले मैं निकालना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि ये चीज़ पहले निकालो, और बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है तो उसको बता दो कि ये बहुत अच्छा कर रहा है. जैसे कि हमारा अंश है, उसको भी वही बोल दिया था कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, एक दिन वो बहुत अच्छा करके इधर आ गए. बिल्कुल, हाँ, वैसे पेरेंट्स को मैं यही मतलब कि ऐसे मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक आप बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आगे जाकर वो कुछ तो बनेगा, बनने वाला तो 100% है, मगर कॉन्फिडेंस दे के और कुछ बनाने लायक बनाओ. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर. और वैदिक मेथड्स यूज करो, आगे जाकर वही उसको फायदा देने वाली, जो लॉजिकली है वो आगे जाकर फायदा देने वाली. बिल्कुल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. Welcome all of you, first thank of all. You so much. Thank you very much. Welcome, Neet. Welcome. Okay, so मुझे आप कुछ बता सकते हैं इनके बारे में, इनके रिकॉर्ड के बारे में? Yeah, actually this is our bedtime ritual to recite mantras, shlokas and all the bhajans. He know more than 11 mantras, but for the record we decided to recite 11 mantras. Firstly we decided ke we recite only 10 mantras, but he able to recite 11 mantras. Okay. So, yeah. अच्छा, नील, एक मंत्र आपको आते कोई सा? Do you know anyone? Yes. Okay. So, एक मंत्र बताओ. हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम बुढ़वचो तेजु तोड़ वे देने ओम बड़को देवस धीमे जी यो यो न बुझो तेर ओम तेम बकम जी जो माह वंदे पति वर हर वर एम वंदा मित्तम अच्छा मिदर ओम वफानी दी वरिष्ठ तड़ी दानी पाशुवार जड़दम तन्ने आशुवार शुवाहा ओम गन गन पते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अस्ति विनायक नमो नमः. So, do you inspire him or someone else? Yes, yes. Actually, I am from the Iris Maji background and okay. I know most of the mantras. Give this to me. Okay. He's actually super active child and just to, you know, divert the energy and we decided ke hum isko mantra sikhayenge. In, I think when he start talking like 1.5 years, okay. He knew a little Gayatri mantra, okay. Half of it. Okay. Then he started learning every mantra. I told him, so I decided to make a record, and here we are. As a father, how are you feeling right now? Excited and blessed. Oh wow! That we are. And one thing I just want to tell you, all credit goes to him and her mother. That I can see, right? Okay. So, how is you prepared him for this challenge or someone else? मौजूद है. वेलकम मित्रा. वेलकम. वेलकम मैम. या थैंक यू मैम. ओके, सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट हिम? हिज मित्रन देव. नॉट
ஷால் ஐ ஸ்பீக் இன் தமிழ் யா ஓகே என் பையன் மித்ரன் தேவ் இவர் வந்து சென்னையிலேருந்து வராங்க இவங்க இப்போ பாண்டிச்சேரியிலேருந்து படிக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியில் படிக்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்துட்டு என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் சில திங்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா அதை ஈஸியாக வந்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணிப்பான் ஸோ ஓகே இவன் எதுலையாவது பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது ஐபிஆரோட நிறைய இது பார்த்துருந்தேன் விளம்பரம் பார்த்துருந்தேன் ஸோ விளம்பரம் பார்த்தோன்னா ஓகே நம்மளும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் 1 month ட்ரைன் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண ஐபிஆரை தேங்க்ஸ் டு ஐபிஆர் ஏன்னா வந்துட்டு அவனோட talent வந்து நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி thanks a lot how are you feeling right now I mean no words ma'am انا ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஏனா basically I am the first graduate in our generation இவர் இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறது என் ஹோல் ஃபேமிலிக்குமே மொத்த குடும்பத்துக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் okay how are you feeling mitra say happy happy you're not excited ஆல்வேஸ் எப்பவுமே என்ன பண்ணாலுமே இப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிக்க மாட்டாங்க ஓகே ஓகே ஸோ டூ யூ இன்ஸ்பயர் ஹிம் ஆர் சம் ஒன் எல்ஸ் சாரி மேம் ஹூ இன்ஸ்பயர் ஹிம் ஆர் மோட்டிவேட் ஹிம் அப்படிலாம் யாரும் இல்லை ஓ இவருக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஃபாதர் ஹிஸ் ஃபாதர் ஓகே வெரி நைஸ் ஸோ ஹவு டு யூ நோ கி தட் ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆர் பிகாஸ் நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெல் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ அப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் நான் சில கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுவான் அதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே இதுக்கு இதுதான் ஆன்சர் தட் ஆன்சர் அவன் ஆன்சர் பண்ணும் போது ஓ ஓகே இதை இவன் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறான் போது நம்ம அதையே ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரெயின் பண்ணதுதான் Good morning, Ankit ji. We would like to welcome you on behalf of India Book of Records. Joshita ji, जो आपकी सिस्टर हैं आप वो शी इज़ नॉट एबल टू कम है तो उनके रिकॉर्ड के बारे में आप कुछ बताएं वो दिन भर मेहनत करती रहती है अपने रिकॉर्ड में कई नई नई चीज़ों में करती रहती है और हम लोग उसका साथ देते रहते हैं बस यही है आप कहाँ से आए हैं मैं जयपुर से जयपुर से ओके आपको ये इंस्पिरेशन उनको ये इंस्पिरेशन किसने दी और कहाँ से दी वो शुरू से ही इन चीज़ों में एक्टिव रही है जैसे उसने डांस में भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं ऐसे करती रहती है तो इंस्पिरेशन उसके माइंड में कुछ आता है और फैमिली और हम लोग सपोर्ट कर देते हैं बस इस रिकॉर्ड को मिलने के बाद उनके लाइफ पे उनके फ्रेंड्स पे उनके कुलीग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सब लोग खुश होते हैं सब लोग सपोर्टिव हैं आसपास का जो सराउंडिंग्स हैं सबसे सपोर्ट मिलता है ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिला हो तो सपोर्टिव रहते हैं सब लोग गुड आफ्टरनून देवज्योति व्हाट रिकॉर्ड हैव यू मेड माई रिकॉर्ड थ्री रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश विद इन 2 months and Springer Nature and Quest Journal and ISBN book published my written journal published year record okay to aapko India Book of Records ke bare mein kahan se pata chala social media newspaper vibhinn types to aapke father mainly piche inspire kar rahe aapko okay आप कुछ बताएं कि आप और क्या करना चाहते हैं आगे व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू आगे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और इन फ्यूचर में प्लानिंग है तो पीएचडी का करना डॉक्टरेट करना थैंक यू माय नेम इज़ इनायतुल्ला आयत मुलानी एंड आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र First of all, I would like to thank the team of India Book of Record to give me this opportunity to speak over here. I would like to tell you about my record. I have solved 28 correct multiplication sums, 5-digit multiplied by 1-digit in 1 minute. It means the calculation of 5-digit multiplication multiplied by 1-digit and its answer is in 6 digits. So my journey begins from 2019. I started to go on in a class, Abacus class, National Institute of Brain Master. With the director of that institute, Mr. Navnath Hambir, helped me to enhance my skills and with his help only, I had received all of this. I have given so many competitions before this and I have also selected for international and national competitions for Abacus. But unfortunately, the international competition was not held due to the COVID-19. But I am trying again for the international competition. So I think it will make and
I would like to thank my parents because of whom I am here. They had supported me in all the possible way they can. So as a result, you can see I had made a record in mathematics. So at last, I would like to say thank you to all of all the people who had motivated me and helped me to achieve this goal. Thank you.